गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। वेलकम टू एसएन स्कूल अजमेर। टुडे वी रीड पेज नंबर 4, 5 एंड 6। सो नो स्टार्ट पेज नंबर 4। नेम इज म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स। इस चैप्टर में बच्चों हम म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में रीड करेंगे कि म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स क्या होते हैं। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स वह होते हैं जिनको बजाने या जिनको सुनने से हमें आनंद महसूस होता है और हम प्रफुल्लित होते हैं, प्रसन्न होते हैं, खुश रहते हैं। तो हम यहाँ इस चैप्टर में कुछ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स की पिक्चर्स दी हुई है और उनके कुछ ऑप्शंस दिए हुए हैं। जो भी करेक्ट ऑप्शन है उस पर आपको टिक करना है। लुक एट द पिक्चर्स ऑफ द म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स एंड आइडेंटिफाई देम बाय चूजिंग द करेक्ट ऑप्शंस। फर्स्ट पिक्चर इस आपको दे रखा है ऑप्शन ए ढोलक, ऑप्शन बी ड्रम, ऑप्शन सी हारमोनियम। तो फर्स्ट पिक्चर इज ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर, हारमोनियम। सेकेंड पिक्चर इज ऑप्शन ए तबला, ऑप्शन बी डमरू, ऑप्शन सी डोल। तो सेकेंड पिक्चर आंसर इज करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए तबला। थर्ड पिक्चर इज ऑप्शन ए फ्लूट, ऑप्शन बी सहनाई, ऑप्शन सी सारंगी। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर, सहनाई। फोर्थ पिक्चर इज ऑप्शन ए सितार, ऑप्शन बी सरोद, ऑप्शन सी गिटार। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर, सरोद। फिफ्थ पिक्चर इज ऑप्शन ए ढोलक, ऑप्शन बी मृदंगम, ऑप्शन सी तबला। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर, ढोलक। फिफ्थ का करेक्ट आंसर बच्चों ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर, ढोलक। सिक्स पिक्चर इज ऑप्शन ए तानपुरा, ऑप्शन बी मैंडोलिन, ऑप्शन सी सारंगी। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर, तानपुरा। तो बच्चों हमने इस चैप्टर में म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में रीड किया। और भी अनेक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जिन्हें हम बजाते भी हैं, सुनते भी हैं, देखते भी हैं। अब हम नेक्स्ट चैप्टर रीड करेंगे, चैप्टर नंबर 5, स्पोर्ट्स स्टार्स। इस चैप्टर में हम स्पोर्ट्स स्टार्स के बारे में रीड करेंगे कि किस किस स्टार्स ने स्पोर्ट्स में अच्छा परफॉर्मेंस किया या वो फेमस है स्पोर्ट्स में, किस गेम में। तो आपको नीचे कुछ पिक्चर्स दी हुई हैं और इन पिक्चर्स के कुछ ऑप्शंस दिए हुए हैं। उन ऑप्शन में से जो करेक्ट पिक्चर है और ये किस खेल से संबंधित है वो आपको फिल करना है। सो नो स्टार्ट, चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आइडेंटिफाई दिस स्पोर्ट्स स्टार्स। ऑप्शन फर्स्ट क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पिक्चर इज ऑप्शन ए सुनील छेत्री, ऑप्शन बी बाइचिंग भूटिया। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर, ये पिक्चर सुनील छेत्री की है और ये इंडियन फुटबॉल टीम के कैप्टन हैं और इनका गेम है फुटबॉल। सेकंड पिक्चर इज ऑप्शन ए पिंकी रानी, ऑप्शन बी एम सी मेरी कॉम। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर, एम सी मेरी कॉम। जो एम सी मेरी कॉम है ये है बॉक्सिंग प्लेयर है। थर्ड पिक्चर इज ऑप्शन ए विनिस फोगाट, ऑप्शन बी कविता देवी। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर, विनिस फोगाट। विनिस फोगाट जो है रेसलिंग इनका गेम है और रेसलिंग से संबंधित है। फोर पिक्चर इज ऑप्शन ए सुशील कुमार, ऑप्शन बी बजरंग पूनिया। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर, बजरंग पूनिया। बजरंग पूनिया भी रेसलिंग से संबंधित है, यह रेसलिंग प्लेयर है। फिफ्थ पिक्चर इज ऑप्शन ए हेमा दास, ऑप्शन बी दीपा कारमकर। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर, हेमा दास। हिमा दास जो है एक एथलीट प्लेयर है। सिक्स पिक्चर इज ऑप्शन ए पीवी सिंधु, ऑप्शन बी सानिया नेहवाल। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर, पीवी सिंधु। पीवी सिंधु जो है एक बैडमिंटन प्लेयर है। तो बच्चों हमने इस चैप्टर में स्पोर्ट्स स्टार्स के बारे में रीड किया। अब फैक्ट फाइल क्या है, इन 2000 कर्णम मलेश्वरी बिकम द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू विन ऑन ओलंपिक मेडल। सी वॉन द ब्रॉन्ज मेडल इन द वुमेन वेट लिफ्टिंग। 2000 में कर्णम मलेश्वरी ने, जो भारत की पहली इंडियन वुमेन महिला है, उन्होंने ओलंपिक में ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया था, वो भी वेट लिफ्टिंग में। अब बच्चों हम पेज नंबर 6 रीड करेंगे। 6 पेज नंबर या चैप्टर नेम नेचर रिकॉर्ड्स। इस चैप्टर में नेचर के बारे में पढ़ेंगे कि प्रकृति क्या है, प्रकृति में कौन कौन सी ऐसी चीज़ें मौजूद है जिन्हें हम जानते हैं। लुक एट द पिक्चर्स, आपको नीचे कुछ पिक्चर्स दी हुई है। आइडेंटिफाई दीज रिकॉर्ड्स होल्डर फ्रॉम अराउंड द वर्ल्ड, चूज योर आंसर फ्रॉम द हेल्प बॉक्स। और यह है
पूरे वर्ल्ड में पाए जाते हैं। इस आपको नीचे हेल्प बॉक्स दिया हुआ है, इन पिक्चर्स को देखकर हेल्प बॉक्स में से इनके करेक्ट आंसर आपको फिल करना है। फर्स्ट, द हाईएस्ट माउंटेन पीक, सबसे ऊंची माउंटेन पीक कौन सी है? माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट जिसकी हाइट 8848 मीटर है। सेकंड पिक्चर इज द टॉलेस्ट एनिमल, सबसे लंबा एनिमल्स कौन सा है? तो सबसे लंबा एनिमल्स कौन सा बच्चों? टॉलेस्ट एनिमल्स कौन सा है? जिराफ। थर्ड पिक्चर इज द लॉन्गेस्ट रिवर, सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो सबसे लंबी नदी जो है, लॉन्गेस्ट रिवर, वह है नील रिवर। फोर पिक्चर इज द स्मॉलेस्ट बर्ड, तो सबसे छोटी चिड़िया कौन सी है? स्मॉलेस्ट बर्ड कौन सी है? हमिंग बर्ड। आंसर इज हमिंग बर्ड। फिफ्थ, द लार्जेस्ट बर्ड, सबसे लार्जेस्ट बर्ड कौन सा है? ऑस्ट्रिच, जिसे शुतुरमुर्ग के नाम से भी जाना जाता है। सिक्स पिक्चर इज द लार्जेस्ट डेजर्ट, सबसे बड़ा डेजर्ट कौन सा है? सहारा डेजर्ट। अब फैक्ट वाइज क्या है, द हाईएस्ट माउंटेन पीक इन इंडिया, कंचनजंगा। भारत की सबसे जो ऊंची हाईएस्ट माउंटेन पीक है वह कंचनजंगा, यह सिक्किम में है। इट इज़ द थर्ड हाईएस्ट माउंटेन पीक इन द वर्ल्ड, और यह वर्ल्ड की सबसे थर्ड नंबर की हाईएस्ट पीक है आफ्टर माउंट एवरेस्ट एंड माउंट K2K, और यह माउंट एवरेस्ट और माउंट K2 के बाद थर्ड नंबर की हाईएस्ट माउंटेन पीक है कंचनजंगा। तो बच्चों, आज हमने पेज नंबर 4, 5, 6 रीड किए, आप सभी को अच्छी तरह समझ में आ गए होंगे। फिर भी यदि किसी स्टूडेंट को चैप्टर संबंधी प्रॉब्लम है तो मुझे पर्सनल मैसेज करें। बच्चों, हम अब रिवीजन स्टार्ट कर रहे हैं। रिवीजन आपको सिर्फ यह वर्क GK की बुक में ही फिल करना है, नोटबुक में नहीं करना है। नोटबुक में सिर्फ वही करना है जो मैं एक्स्ट्रा रिवीजन वर्क सेंड कर रहा हूँ, यहाँ आपको अदर GK क्वेश्चन सेंड कर रहा हूँ। ओके गाइज, हैव अ ग्रेट डे।